जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में अब स्कूल जो है अनलॉक हो सकते हैं। 16 जून से स्कूल खोलने पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि परिस्थितियां अगर ठीक रहती हैं तो यहां पर क्लासेस लगाई जा सकेंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल से बंद पड़े स्कूल अब खोले जा सकते हैं, इसे लेकर के प्रदेश सरकार विचार बना रही है। सोमवार को स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं, हम इन पर विचार कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर के और वहां में हाल ही में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की प्लानिंग करने पर अफसरों को भी कहा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित बीएड डीएड के संघ युवा जो है यहां पर ऐलान किया है। इन लोगों ने सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं और नियुक्ति नहीं मिलने से ये सभी नाराज हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। बीएड डीएड संघ ने नियुक्ति को लेकर के सीएम हाउस का घेराव करने की भी बात कही हुई है। इसके अलावा बता दें कि बीएड डीएड के हजारों कैंडिडेट राजधानी रायपुर में जुटने वाले हैं। संघ ने ये भी ऐलान किया है कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो 9 जून से भूख हड़ताल करेंगे। वही बीएड डीएड के कैंडिडेट चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से सरकार से अच्छे खासे नाराज हैं। बता दें कि कोरोना काल में संघ काफी समय से खामोश बैठा था। लॉकडाउन हटते ही प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ ने अपना आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। ब्लैक फंगस ने लगातार सरकार की चिंता बढ़ा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 259 ब्लैक फंगस के मामलों की पुष्टि हो गई है। 21 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा मौतें दुर्ग में बताई जा रही है। बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 21 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा 67 मरीज सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 259 मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से दुर्ग से सर्वाधिक 67 मरीज सामने आए हैं। इधर रायपुर से 48, बिलासपुर से 33, राजगढ़ से 21, राजनांदगांव से 16 और जांजगीर चांपा से 14 ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हो गई है। रायपुर एम्स के अलावा बिलासपुर में सिम्स में मरीजों का उपचार लगातार जारी है। डॉक्टरों ने आगामी दिनों में मरीजों के बढ़ने की संख्या बढ़ने की चेतावनी जो है जारी की है छत्तीसगढ़ सरकार को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन करेगी और प्रतिभागी 5 से लेकर के 15 जून तक अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए 5 से लेकर के 15 जून 2021 तक का समय रखा गया है। आप अपने माध्यम से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप इनका जो है ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। बारी की साथ ही हर जिले के प्रथम 100 पंजीयन को टी शर्ट जो है प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं और प्रथम 100 पंजीयन करता है तो आपको जो है एक टी शर्ट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि सिलगेर से जो है कैंप नहीं हटाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। मंत्री चौबे का कहना है कि दरभा में फोर्स का कैंप होता तो यहां पर जीराम हमला नहीं हो पाता, विरोध करने वाले वहां विकास नहीं चाहते हैं। बताया कि सुकमा जिले के सिलगेर में हुए पुलिस कैंप का विरोध लगातार जारी है। इनमें इस मामले में आदिवासियों की आड़ में सियासी माहौल गर्म करने वाले भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। सरकार भी इस मुद्दे पर कैंप को न हटाने की बात पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ सिलगेर के ग्रामीण भी कह चुके हैं कि कैंप हटेगा तो भी वही हटेंगे। ऐसे में अब सोमवार को इस आंदोलन पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अहम बयान जारी किया है। बता रहे कि इस मामले में टीएस सिंहदेव ने भी सरकार का रुख साफ कर दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया और भाजपा नेताओं को सिलगेर जाने से रोके जाने को लेकर के वहां मेरा सवाल है कि वो लोग बस्तर में अधोसंरचना का विकास नहीं चाहते। बता रहे कि यहां पर इनका कहना है कि अगर वहां पर जो पुलिस टीम है वो मौजूद रहती तो यहां पर जीरम हमला नहीं हो पाता। ये सभी बातें मंत्री रविंद्र चौबे ने कही हुई हैं। इन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि सिलगेर से जो कैंप है पुलिस कैंप वो यहां पर नहीं हटेगा।
एक दिल दहलाने वाला वीडियो जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह वीडियो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि गाय की मौत का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आ रहा है CCTV के माध्यम से। बिलासपुर की सुनसान सड़क पर रेत से भरे ट्रैक्टर ने पहले गाय के सिर को कुचला, फिर ट्रॉली से शरीर को भी रौंद डाला। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाय की बेरहमी से हत्या का एक वीडियो सामने आया है। रेत से भरे एक ट्रैक्टर ने सुनसान सड़क पर बैठी गाय को कुचल करके मार डाला। ट्रैक्टर चालक ने पहले इंजन के टायर से गाय के सिर को रौंदा, फिर जब गाय अपने आप को बचा करके निकलने का प्रयास कर रही थी तो उसके शरीर पर ट्रॉली को चढ़ा दिया गया। और ये ट्रॉली ऐसी खाली ट्रॉली नहीं थी, इस पर रेत भरा हुआ था। पूरी घटना शनिवार रात को शहर के मोपका चौराहे के पास घटी, और इसके बाद से मामले का CCTV फुटेज भी सामने आ रहा है, जिसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ड्राइवर ने जानबूझ करके पूरी दुर्घटना को यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के बारे में चर्चा करें, जहां पर 21 मार्च के बाद से पहली बार 1000 से कम केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 999 मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं 1909 लोग स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटे में। 25 लोगों की मौतें भी यहां पर बताई जा रही है। बता रही कि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 980,575 पर पहुँच गया है। एक्टिव मरीज फिलहाल अब घट करके 23,280 पर आ गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 944,078 मरीज है अब तक डिस्चार्ज हुए हैं, वही 13,217 ये टोटल मौतों के आंकड़े हैं अब तक छत्तीसगढ़ में। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी को भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आपको यह छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठ खड़े किए हैं। बता दें कि सीनियर लीडर नंद कुमार साय ने नक्सल समस्या पर कहा कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि उस दौरान भी कोई प्रयास नहीं हुआ, अब सरकार को हल निकालना चाहिए। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने एक बार फिर जो है सुर्खियाँ बटोर ली हैं। इस बार फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर नक्सल समस्या को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है ये बात कहने में कि इस समस्या को लेकर के उस समय भी कोई दल जो है कोई किसी भी दल की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो पाया, लेकिन अब जो सरकार है या जो सरकार में भी नहीं है उन्हें मिला करके इसका समाधान जरूर करना चाहिए। दरअसल शायद रविवार को सिलगेर की घटना को लेकर के पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, और इससे पहले भी साय ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर दी है। एक बच्ची की जो कि छत्तीसगढ़ की अपनी बच्ची है, इनके कदमों में अब जो कि खुशियां है होने वाली है। गरियाबंद की गीता के पैरों में पंजे नहीं है, गिलास लगा करके चलती है, लेकिन जब इनकी नज़र सीएम भूपेश बघेल पर पड़ी तो इनका इलाज जो है सीएम मुख्यमंत्री करवाने जा रहे हैं, नया घर भी इनको मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा की रहने वाली 11 साल की गीता के पैरों के पंजे नहीं हैं। अपनी मासूमियत से इस मुश्किल को हराने के लिए बच्चे ने पानी पीने के काम में आने वाले स्टील के गिलास पैर में फंसा लिए। अब चेहरा जो है अब इसी के सहारे जो है ये बच्ची चलती हैं। जब हमारी टीम ने इस बच्ची की खबर दिखाई तो हम अब जो सरकार जो है इनकी गीता की मदद करने के लिए आगे आई है। अब राज्य की सरकार गीता के परिवार को घर देगी, बच्ची को इलेक्ट्रिक साइकिल देने और पैरों का इलाज करवाने का जिम्मा सरकार ले रही है। अंतागढ़ में एक और ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। मुर्गे के मांग करने वाले इंजीनियर ने इस बार 36,000 घूस की डिमांड की है। ऑडियो जो है हमारी टीम के पास है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से अंतागढ़ ऑडियो टेप को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है। यहां कभी नेताओं तो कभी मंत्रालय से काम के बदले कमीशन मांगने के ऑडियो टेप लगातार जारी होते रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जनपद पंचायत में RES विभाग के सब इंजीनियर जो है कमीशन मांग रहे हैं। इस बार अंतागढ़ जनपद पंचायत में अटैच RES विभाग के सब इंजीनियर का ऑडियो टेप वायरल हुआ है। इसमें इंजीनियर अपने साहब के नाम से सरपंच से 36,000 कमीशन की मांग कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 13 जून को होने वाला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर इस बार का जो मुद्दा है केंद्रित होने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 से लेकर के 11 बजे तक होने वाला है। और विदित हो कि इस बार के मासिक रेडियो वार्ता
के दौरान मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता के माध्यम से जो है मासिक रेडियो वार्ता में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर चर्चा करेंगे। बदलाव के नौ मोड़ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। छुई खदान और बकरकट्टा के बीच तीन पहाड़ियों को काट करके रास्ता बनाया गया। नक्सलगढ़ में सुरक्षा मजबूत, इससे लोगों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि राजनांदगांव के छुई खदान बकरकट्टा मार्ग पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तीन साल से चल रहा सड़क बनाने का काम अब जाकर के पूरा हुआ है। जंगल और पहाड़ों से गुजरती दिख रही यह सर्पीली सड़क छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित कॉरिडोर में बदलाव का अहम माध्यम बनेगी। तीन पहाड़ियों को काट करके बनी 7.0 किलोमीटर की लंबी सड़क पर 2.5 किलोमीटर के हिस्से में घाटी पड़ती है, जहां यह सड़क हेयरपिन जैसे कुल 9 तीखे मोड़ से गुजरती है। और सड़क बनने से छुई खदान से बकरकट्टा की दूरी अब 90 किलोमीटर की जगह मात्र 34 किलोमीटर रह गई है। साथ ही मध्य प्रदेश का बालाघाट भी इससे सीधे माध्यम से जुड़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री का टीके पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। सिंहदेव का कहना है कि टीके बने ही नहीं थे और केंद्र सरकार ने यहां पर वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया था। टीकाकरण न होने का आरोप राज्य सरकारों पर थोपा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकाकरण को लेकर के जारी सियासी मुद्दे को लेकर के मीडिया से खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला भले ही कर लिया हो कि दो कंपनियों से देश को टीके मिलेंगे, देश के 30 करोड़ लोगों को यह डोज यानी कि यहाँ दो डोज यानी कि 60 करोड़ टीके लगेंगे, लेकिन जनवरी में टीकाकरण का ऐलान कर दिया गया मगर तब सरकार के पास 60 करोड़ टीके ही बने नहीं थे। बताया कि सिंहदेव ने आगे ये भी कहा है कि जब बात सामने आने लगी कि टीका ही नहीं है तो केंद्र सरकार जो है कहती रही कि टीके की कमी नहीं है। उनकी तरफ से अपने साथियों से कहा गया कि ऐसा माहौल बनाओ कि टीके की कमी ही नहीं है। तो ये सब बातें, ये सब खुलासे जो है हमारे जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, इन्होंने कही हुई है मीडिया से बातचीत के दौरान। कोरोना के बाद महंगाई एक आपदा बन चुकी है, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता का लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके साथ ही साथ प्रदर्शन जो है देखने को मिला है पूरे प्रदेश स्तर पर। बता दें कि इनका कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो कोविड से बचेगा वो महंगाई के बोझ से मर जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियाँ खराब हो रही हैं इसलिए बढ़े चीज़ों के दाम, ये सभी बातें इन्होंने कही हैं। बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। अब सोमवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर सियासी छोड़े हैं। जनता की परेशानी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर विफल बताया गया। वही जरूरी चीजों के बढ़ते दामों को आने वाले दिनों में एक बड़ी आपदा के तौर पर पेश करते हुए कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी कोरोना से तो बच जाएगा लेकिन महंगाई के बोझ से मर जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में की गई थी बीते दिन। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को भी दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यह छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी।